नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत के स्टार यानी जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला सिल्वर मेडल दिलाया है। नीरज ने इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में 88.58 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, मगर इस बार पेरिस में उन्होंने टोक्यो को गोल्डन थ्रो से भी ज्यादा दूर भाला फेंका है, लेकिन उन्हें सिल्वर से ही संतोष होना पड़ा। 26 साल के नीरज ने पेरिस ओलंपिक में अपने 6 में से 5 प्रयास फाउल किए थे, मगर उन्होंने अपना दूसरा ही थ्रो 89.45 मीटर का किया था और इसी ने उन्हें सिल्वर मेडल दिला दिया। अब इस बार नीरज को पाकिस्तान के अरशद नदीम से सबसे ज्यादा टक्कर मिली है। अरशद ने अपना दूसरा ही थ्रो 92.97 मीटर का किया था, जिससे उन्हें गोल्ड मिला है। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान इस बार गोल्ड ले जा चुका है। इसके बाद अरशद ने अपना आखिरी थ्रो भी 91.79 का किया था, यानी इस एक ही इवेंट में अरशद ने दो बार नीरज और 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो किया। ब्रॉन्ज मेडल पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने जीता है। उन्होंने 88.54 मीटर दूर भाला फेंका। अरशद ने 92.97 मीटर थ्रो के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। आपको बता दें कि अरशद ने नॉर्वे के एंड्रियास थोर किल्डसेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एंड्रियास ने यह रिकॉर्ड 23 अगस्त 2008 को बीजिंग ओलंपिक में 90.57 मीटर दूर भाला फेंक कर बनाया था। इसी के साथ इस सिल्वर मेडल के साथ ही नीरज चोपड़ा ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो लगातार दो ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, लेकिन इससे पहले भारत के लिए व्यक्तिगत इवेंट में अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग 2008 में गोल्ड जीता था, मगर वो इसके बाद कोई मेडल नहीं जीत सके। नीरज यदि गोल्ड जीतते तो ओलंपिक में इतिहास में किताब बरकरार रखने वाले दुनिया के 5वें और भारत के पहले खिलाड़ी बन सकते थे। इसके साथ ही ओलंपिक में व्यक्तिगत इवेंट में दो गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय भी बन सकते थे, मगर वो इस रिकॉर्ड से चूक गए। इसके अलावा ओलंपिक में इससे पहले व्यक्तिगत इवेंट में रेसलर सुशील कुमार और बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ही कोई भी दो मेडल जीत सके हैं। उनके बाद नीरज तीसरे भारतीय हैं जिन्होंने ओलंपिक में कोई भी दो मेडल जीते हैं। हालांकि सुशील और सिंधु गोल्ड नहीं जीत सके थे। उन्होंने 2008 बीजिंग में ब्रॉन्ज और फिर लंदन 2012 में सिल्वर मेडल जीता था, जबकि सिंधु ने 2016 रियो में सिल्वर और टोक्यो 2020 में ब्रॉन्ज जीता था।